तरह से कवर किया। मैं लोगों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सबको मौका दिया अपनी बात रखने का। अब अवाम तक है, अवाम क्या फैसला करती है वो मई में पता लग जाएगा। हमने अपनी तरफ से कोशिश की कि लोगों को बताएं कि हमारा मकसद क्या है, क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला वही कामयाबी बख्शने वाला है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमने जो बातें उनके सामने रखी उन्हें उसका एहसास होगा और कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को वो जिताएं। Only difference this time is that people are far more aware of the situation that exists in our nation and are really afraid of what is happening in the country. Let me also add, in the context of Kashmir, these elections have been significantly different from the by-election of 2017 that Farooq Saab won. In that election, we barely managed one or two public meetings outdoors. All our election activity was confined to closed rooms and walled-off areas. In this election, thankfully, we found the electorate far more receptive. I don't know what that will mean for turnouts, but at least in terms of the atmosphere for campaigning and the receptiveness of the people to the message that we were taking out to them, it was a far more receptive electorate today than it was in 2017. I only hope that having seen the environment in which we were able to conduct both the campaign for North Kashmir and also Central Kashmir, and hopefully South Kashmir as well, that the government of India gets off its high horse and gives the people of Jammu and Kashmir the opportunity to choose an elected government sooner rather than later, because they are now running out of excuses to delay assembly elections. Assembly elections were delayed because of parliament. Now that parliament elections are due to conclude, we can only hope that the centre, together with the EC, gives the people of Jammu and Kashmir an elected government, which is their right. उमर साहब, एक बात जानना चाहेंगे, जिस अंदाज से अब चुनावी प्रचार, अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें, जो पूरा जो पहले शुरू हुआ था विकास, और अब धीरे धीरे जाकर धर्म की ओर जा रहा है। जैसे कल एक बीजेपी ने टिकट दी है भोपाल से एक आरोपी को, जो कोर्ट में जिनका केस चल रहा है, तो किस तरह से आप ओवरऑल कैंपेन देख रहे हैं, और जो आपकी लड़ाई है 370 धारा को लेकर, उसको लेकर आप लोगों तक कितनी बात पहुंचाने में कामयाब रहे? लेकिन हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी, और काफ़ी हद तक हमने अपनी बात जो है कामयाबी से लोगों तक पहुंचाई है। अब लोग हमारी बात को लेके आगे क्या फैसला करेंगे वो आज पता चलेगा, और जनूबी कश्मीर में कुछ दिनों के बाद। लेकिन जहां तक आपने पूरे मुल्क में प्रचार की बात की, ये सही है कि बार बार जो है बीजेपी से अलग अलग बातें सुनने को मिल रही हैं। पहले तो उन्होंने पुलवामा और बालाकोट पर इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, जब पता चला कि वो चल नहीं रहा है, उन्होंने एक आध दिन से डेवलपमेंट की बात की, जिसको कोई अब हजम नहीं कर रहा है। अब क्योंकि बीजेपी के पास जब और कुछ रहता नहीं है, तो वो मज़हब का कार्ड निकाल के मज़हब का कार्ड खेलते हैं। मंदिर मस्जिद पे तो उनको वोट मिलेंगे नहीं, तो उन्होंने एक ऐसे शख्स को भोपाल से मैंडेट दिया है जो न सिर्फ आतंकवाद के केस में एक आरोपी हैं, बल्कि उसके साथ साथ बेल पर हैं, और बेल भी उनको इस बहाने दिया गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुझे बताइए, अगर उनकी सेहत जेल में रहने के लिए ठीक नहीं है, तो उनकी तबीयत इलेक्शन लड़ने के लिए ठीक कैसे हो सकती है? मैं उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द जो है जिस अदालत से उनको ये बेल दी गई है, उस अदालत से ये बेल कैंसिल हो जाए, क्योंकि अगर उनकी सेहत इलेक्शन के लिए ठीक है, तो उनकी सेहत फिर जेल के लिए भी ठीक है।